सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक जैन में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको बताया, आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन 2018 का जो रिजल्ट आया था किसी कारणों के जैसे कैंसिल कर दिया गया, और इसी के साथ जो साइको का एग्ज़ाम कल यानी कि 16 अप्रैल को होने वाला था वो एग्ज़ाम भी दोस्तों किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। नया रिजल्ट कब तक आएगा दोस्तों, साइको की लिस्ट कब तक आएगी और कब हमारा साइको का एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी डेट अभी तक ऑफिशियली नहीं अनाउंस नहीं हुई है दोस्तों। लगातार जो बच्चे ईमेल वगैरह भेज रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ मेल्स का जवाब आया है, जहाँ पर कि लिखा है कि 26 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट कुछ आ सकता है, तो देख लेंगे 26 अप्रैल को रिजल्ट आता है नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक और नोटिस आया है कि आप जो ईमेल और ट्विटर वगैरह पे मैसेज वगैरह भेजते हैं तो किस तरह के फॉर्मेट भेजना चाहिए और किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी आपके एक नोटिस आया है और उसको ज़रूर पढ़ें, वरना आपको क्या है दोस्तों, सज़ा हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उसका वीडियो मैंने बना के दे दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो अब की बार कट ऑफ जोन वाइज की जगह सेंट्रल लेवल पर होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अलग अलग जोन की कट ऑफ अलग अलग जा रही है, ठीक है, कई जगह 65-70 तक जा रही है और कई जगह 40 तक रह रही है, तो क्या हो रहा है इस वजह से, वो उस सारे टॉपिक पर बात करेंगे। कहना चाहूँगा दोस्तों एक बार आप प्रयास जरूर करें, इस तरह से सिलेक्शन में बदलाव होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से बदलाव हो सकता है, क्योंकि इस वजह से लाखों कैंडिडेट की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके टॉपिक पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जो भी हमारे चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आपको मिलते रहें। चलिए भी दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है, रिजल्ट कैंसिल होने के बाद ही लोगों को घबराहट हो गई और कई लोगों को खुशी हो गई। सबसे बड़ा लोगों के मन में सवाल है कि क्या हमारे जो नंबर हैं, ठीक है, जो हमारे नंबर हैं घट सकते हैं क्या। जो लोग बाउंड्री लाइन के पास है, यानी कि मान लीजिए जिनके 35.01 36 नंबर है, या जो मान लीजिए कट ऑफ 40 तो जिनके 41 नंबर है या 40.37 के, उन लोगों के साथ क्या हो सकता है, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो क्या हो रहा है, इन लोगों को डरने की बात है भी और नहीं भी दोस्तों, उस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं जो एग्ज़ाम किस तरह से होता है। दोस्तों यहाँ आप जानते हैं कि आरआरबी ने खुद का बोर्ड बना रखा है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रिक्रूटमेंट मतलब दोस्तों जो भर्ती कराती है रेलवे, यानी कि जितने भी वैकेंसी है उन सभी पे भर्ती कराने का काम होता है आरआरबी का। डिफरेंट आरआरबी 21 आरआरबी बना रखी है, उन सभी को अपने जोन में भर्ती करना होता है कैंडिडेट को। वो नोटिस निकालते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और फिर पूरा प्रोसीजर करवा के वो सेलेक्ट देते हैं बच्चों को। सो यहाँ दोस्तों सही बात है कि इस साल जो रेलवे ने खुद एग्जाम ने करवा के टीसीएस को एग्जाम दे दिया, तो ऐसी क्या वजह रही जो उसने टीसीएस को एग्जाम दिया, जब आरआरबी को बना ही इसलिए रखा है ताकि वो एग्जाम ले सके, तो टीसीएस को उसने क्यों दिया टेंडर की वो एग्जाम ले, ठीक है। अगर उसने टेंडर दिया तो दोस्तों आपको पता है कि एक साल से ज़्यादा हो चुका है, अगर आपको ध्यान हो अच्छे से तो लास्ट ईयर दोस्तों एक जनवरी के आसपास, ठीक है, एक जनवरी ना कहूँगा, जनवरी के आसपास अपने फॉर्म भरना अपने स्टार्ट किए थे, और एक साल से भी ज़्यादा यानी कि एक साल और चार महीना मान लीजिए, अब लगभग 1.5 साल के आसपास आपका पूरा समय हो चुका है और अभी तक भर्ती प्रक्रिया इतनी हो रही है। आपको पता हो जैसे कि दोस्तों कि अगर CBT 1 का जो रिजल्ट कैंसिल हुआ था, 3 से 4 बार रिजल्ट चेंज हुआ था। CBT 2 का भी आपको पता है दोस्तों, एक बार जो है 23 फरवरी को आया, इसके बाद 5 अप्रैल को आया, ये भी कैंसिल हो गया, अब तीसरी बार आएगा, और इससे पहले भी आपका आंसर क्या आई थी, तो आप टोटल मान लें 3 बार तो आपका हो ही चुका है। तो यहाँ इतनी बार रिजल्ट कैंसिल करने से दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा ले लीजिए और अच्छी तरह से एक ही बार में जो है रिजल्ट पूरा दीजिए। आप बार बार बच्चों का टाइम वेस्ट करते हैं, कई बच्चों की भावनाएं आहत होती है, क्योंकि कई बच्चे पास हो चुके थे, उन्होंने साइको की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरे पास मेल आए कि रिजर्वेशन करवा दिए थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, रिजर्वेशन करवा दिए, तो वो बच्चे उनका पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है वो, और जो एग्ज़ाम थे कई बच्चों का मैसेज, सर मेरी LDC का सिलेक्शन हो चुका है, मैं टाइपिंग की प्रिपरेशन छोड़ के अभी ALB की तैयारी कर रहा हूँ साइको की, तो वहाँ उनका दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। तो क्योंकि पहले 23 मार्च को जो कट ऑफ स्कोर कार्ड आया था वहाँ वो बच्चे पास हो रहे थे और 5 अप्रैल के रिजल्ट में बच्चे फेल हो रहे हैं, तो क्या कारण है इन सबका दोस्तों, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि कई बच्चे बहुत ज़्यादा भावनाएं उनकी इतनी ज़्यादा आहत होती है कि वो कुछ कर नहीं पाते, फिर वो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उससे रेलवे को भी बुरा लगता है और सभी को बुरा लगता है, उनके माँ बाप को भी बुरा लगता है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट होते होते रह गया। तो कई चीज़ें होती हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आरआरबी बना रखा है तो आरआरबी को खुद से एग्ज़ाम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अगर बताओ IBPS बैंक वगैरह का एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है, तो यहाँ दोस्तों IBPS का हर साल 2011 या 12 से दोस्तों IBPS ने एग्ज़ाम कराना स्टार्ट किया है। इससे पहले जो है अलग अलग बैंक के दोस्तों अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, मगर 2011 में IBPS बनाए गए और इसने क्या करा, सेंट्रल लेवल पे सभी बैंकों की एक साथ वैकेंसी निकालता है, सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है और एक ही कट ऑफ निकलती है दोस्तों, ऐसा नहीं होता अलग अलग बैंक के अलग अलग,
एक कट ऑफ निकाली जाती है और उसी के आधार पर तय किया जाता है। अब आप मान लीजिए अगर किसी जोन में एक जोन की कट ऑफ 40 से 45 है, दूसरे जोन की 265 से 67 है, तो यानी कि मतलब 65 से कम नंबर, यानी कि मान लीजिए 62 नंबर वाला जो कैंडिडेट है या 64 नंबर वाला कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि उसमें कुछ कमी है। और जो बच्चा मान लीजिए 40 से 42 नंबर ला रहा है, ठीक है, या फिर 43 नंबर ला रहा है, तो वो बच्चा तो एलिजिबल हो जाता है और इस बच्चे को आप डिस्क्वालीफाई कर देते हो। तो ये कहाँ का न्याय है? मतलब वही है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन के ऊपर ये बात नहीं है, ये सिर्फ बात है कि अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जैसा पता हो CBT 1 में आपसे जो है किसी भी तरह का सिलेक्ट जोन नहीं चुनवाया गया था, ठीक है। आपसे CBT 1 होने के बाद आपसे बोला था जोन सेलेक्ट किया, तो यहाँ जो आपने जोन सेलेक्ट किया था इसमें भी दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपको पहले आपने बच्चे क्लियर करवा दिए फिर बच्चों ने अपने हिसाब से जोन चुना, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं रह पाती है दोस्तों, बात ये रह जाती है। तो कट ऑफ जो है मुझे लगता है सेंट्रल लेवल में निकल, आप मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे ही जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर बच्चों का रिएक्शन क्या आया कि कट ऑफ किस तरह से सेंट्रल लेवल पर होनी चाहिए। यहाँ चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर रिजल्ट बनाना चाहिए, यानी कि पूरा जो नेशनल लेवल पर रिजल्ट बनाना चाहिए। इसके अलावा और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखिए एक बच्चा और कह रहा है कि सेंट्रलाइज मार्क्स मेरिट लिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से सभी बच्चों को तकलीफ होती है दोस्तों। 65 नंबर 67 नंबर लाने वाले बच्चे फेल हो रहे हैं और दोस्तों 40 से 41 नंबर लाने वाले बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये कहीं का न्याय नहीं होता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ गई, इसे मैं जनरल की नॉर्मल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, आरक्षण से मुझे कोई मतलब नहीं कि आरक्षण से किसी से कोई भी मुझे तकलीफ नहीं है। तो मेन जो मुद्दे की बात है दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के हाथ में, क्योंकि रेलवे का सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे लगती है RRB में है कि अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, आप कोई भी ट्वीट करते हैं, आप कोई भी उन्हें शिकायत भेजते हैं, तो RRB ही एक ऐसा बोर्ड है दोस्तों जो आपकी सभी शिकायतों की सुनवाई करता है और उस पर तुरंत निर्णय लेता है, ठीक है। तुरंत दोस्तों आप देख सकते हैं 2 से 3 बार रिजल्ट आने का मेन कारण है कि निर्णय लिया है, क्योंकि उस बार बार गलती रही है और उन गलतियों को मान लेता है RRB, ऐसा नहीं कभी अपनी गलती को मानता नहीं है। तो आपको दोस्तों ये अगर आप करना चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, जो मैंने पहली बात कही, अगर आप चाहते हैं कि सेंटर लेवल पर आपकी कट ऑफ होए, तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करनी कि आप जितना हो सके, ठीक है, मेल कीजिए, आप RRB को मेल कीजिए, ट्वीट करके बताइए, या फिर आप जो भी चिट्ठी वगैरह लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आजकल चिट्ठी का ज़माना नहीं है, मगर फिर भी जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं। मगर यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना है, किसी भी तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य है दोस्तों, मतलब अनिवार्य नहीं है। अगर आपने किसी भी तरह की गलत भाषा का प्रयोग किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के चांसेस हैं, आपको दोस्तों कानूनी कार्रवाई के लफड़े में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है किसी भी तरह की गलत भाषा का प्रयोग ना करें। आपको बोलना है लगातार कि सर हमारे साथ गलती हुई है, हमें आपका रिजल्ट जो है आपको अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। आपको बताना चाहिए कि सर सेंट्रलाइज कट ऑफ करो, जितना ज़्यादा बोलोगे तो हो सकता है कि, क्योंकि अगर IBPS का हो सकता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है। कई बच्चे अब कहेंगे कि सर अगर सेंट्रलाइज देना है तो जोन वाइज क्यों निकाला, आपकी पास सही है, मान लीजिए इस रिजल्ट में ना हो मगर अगले रिजल्ट में तो हो सकता है, ठीक है। आने वाले बच्चों को तो उसका फ़ायदा मिल सकता है, हमारे साथ गलती हो गई आने वाले बच्चों के साथ ना हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ कमेंट और देनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, आपके एक एक कमेंट हमारे लिए अवेलेबल है, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूँगा और करता भी हूँ दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ही चैनल है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।